जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। बोलो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, बोलो जीवन में कुछ मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। हाथ भी खोलो जुबान भी खोलो। चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। हाँ चलने वाला बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ठहरा पानी बहता निर्मल होता है। पांव दिए चलने के खातिर जय हो, बोलो पांव दिए चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो, पांव दिए चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो, आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा, खरगोश और कछुए की कहानी को याद करें और याद करके स्वयं ही प्रेरणा लीजिए कि आखिर खरगोश सबल होते हुए भी क्यों हार गया और कछुआ निर्बल होते हुए भी क्यों जीत गया। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया, बोलो तेज दौड़ने दोपहर चलकर बैठ गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी। अरे चलो कदम से कदम मिलाकर चलो, सफलता का मंत्र है। अगर हमें अकेले आगे बढ़ना है तो अकेले ही चलो, अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो अकेले चलो, पर अगर ऊंचाइयों को छूना है तो हमेशा टीम को साथ लेकर के चलो। दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया, बोलो तेज दौड़ने दोपहर चलकर बैठ गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। अरे चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो, बोलो चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे। अरे आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो।
ताली वादन करें। ताली बजाने के बड़े फायदे हैं, सुस्ती दूर होती है, हमारा माइंड लय ताल के साथ जुड़ जाता है, हाथों के सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट अपने आप ही दब जाते हैं, सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। लगातार अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 3 मिनट पूरी ऊर्जा के साथ ताली वादन करता है, उस व्यक्ति के माइंड और हार्ट में कभी जिंदगी में भी ब्लॉकेज नहीं हो सकते। धरती चलती तारे चलते, चरैवेति चलते रहो चलते रहो, यही पृथ्वी और प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, बोलो धरती चलती, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, किरणों का उपहार बांटने हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो तुम भी प्यारे मत बैठो, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। अरे जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे। आज हम जीवन के लिए वह मोटिवेशन लेंगे, वह सकारात्मक प्रेरणा लेंगे, जो प्रेरणा हमें आरोग्यवान भी बनाए, धनवान भी बनाए, ज्ञान और विद्या में भी ऊंचाइयां दे, व्यवसाय में भी हमारे लिए इनकम के नए स्रोत खोले, साधना और अध्यात्म के मार्ग पर भी हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। आज इन सारे दिव्य उपलब्धियों के लिए बीच में जो रुकावट आती है, बीच में जो रोड़ा आता है, आज हम उस रोड़े को हटाने के लिए प्रेरणा लेंगे। और ये रोड़ा है इंसान के भीतर पलने वाला आलस्य। क्या है वो रोड़ा? आलस्य। आलस्य का अर्थ होता है सक्षमता होते हुए भी काम करने के लिए जी चुराना, इसी का नाम है आलस्य। ये वो रोड़ा है कि जिस व्यक्ति के दोनों पांव हैं मगर फिर भी आदमी को विकलांग बना देता है, जबान है लेकिन फिर भी जबान उसकी अटकने लग जाती है, आंखों में ज्योति है मगर फिर भी आदमी 4 कदम आगे बढ़ने से रुक जाया करता है, ये वो रोड़ा है। जैसे किसी भी पगडंडी पर आगे बढ़ना हो पर बीच में अगर बड़ा सा पत्थर आ गया है तो हमारे लिए बाधक बन जाता है, ठीक इसी कदर हमारा आलस्य भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमारे लिए बाधक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, हर व्यक्ति को ज्ञान है कि सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, हर व्यक्ति को पता है
कि सुबह जल्दी जगना चाहिए, व्यक्ति को ये भी पता है कि मंदिर जाना चाहिए, ये भी पता है कि अगर मेरे लिए संभव हो तो सामयिक करनी चाहिए, ये पता है कि मुझे रोज सुबह उठ करके विद्यार्जन करना चाहिए, पर जानते बूझते हुए भी व्यक्ति नहीं कर पाता। पता है इसकी वजह क्या है? क्या है वजह? क्या है जो नहीं बोल पाए वो भी बोलो। आलस्य, वो एकमात्र वजह है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो वो भाग्य के कारण गरीब नहीं है, वो अगर आदमी गरीब है तो इसलिए गरीब है क्योंकि व्यक्ति आगे बढ़ने से हमेशा आलस्य खाता है। अगर जैसे मान लो सामने वो डॉक्टर बैठे हैं, मेरे सामने वो बहुत बड़े सर्जन हैं, पर वो और आगे बढ़ सकते हैं अगर वो यहीं पर ही संतोष कर लेंगे कि मैं मेरे जोधपुर में बैठा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, मस्त हूँ। वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए तो आदमी को एक चीज का त्याग करना पड़ेगा और उसका नाम है आलस्य। लोग आहार का त्याग करके उपवास करती है, अच्छी बात है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आदमी आलस्य का त्याग कर रहा है कि नहीं। आलस्य के त्याग को करके ही व्यक्ति धनवान बनता है, आरोग्यवान बनता है, व्यक्ति संपत्तिशाली बनता है, व्यक्ति साधना में अपने सफल होता है। पर एक चीज जो हमारे पांवों को बांध कर रखता है, जो हमारे पांवों में जंजीर की तरह पड़ा है, जो समंदर में पड़ी हुई नौका को भी आगे नहीं बढ़ने देता है, उस जंजीर का नाम है, फिर बोलो वापस क्या है उसका नाम? आलस्य। यहाँ कई लोग ऐसे भी बैठे जिनको ये बोलने में भी आलस्य आ रहा है कि भाई वो आलस्य है ये भी मैं बोलूं या न बोलूं। और जो लोग ऐसे ढीले ढाले होते हैं ना, इसका मतलब उनके नस नस में आलस्य बसा हुआ है, उनके नस नस में आलस्य बसा हुआ है। एक युवक पहुंचा मंदिर जी में और जाकर के भगवान से कहने लगा, क्या भगवान जी, आप यार दिन भर मंदिर जी में बैठे रहते हो, केवल लोग आते हैं आपको 56 भोग चढ़ाते हैं, लड्डू खा खा के आपका पेट फूल गया, आप कुछ काम धाम नहीं करते क्या? अक्सर लोगों ने मंदिर के भगवान को बोलता नहीं देखा होगा, पर हो सकता है उसका कांटेक्ट रहा होगा भगवान जी से। सो मूर्ति में से भगवान जी ने आवाज दी, भाई मैं तो करता हूं, किसने कहा कि मैं कुछ नहीं करता? बोले क्या करते हो आप, दुनिया में इतनी पीड़ाएं, इतने दुख हैं, मैं इतना नौकरी के लिए जा रहा हूं पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, भगवान आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, भाई मैं तो बहुत कुछ करता हूं, थोड़ा तू भी कर लिया कर, पर मैं देखता हूं तू 10 मिनट काम नहीं करता और घर में जाके पड़ जाता है। बोले मेरे से ये सारे लफड़े मोल नहीं लिए जाते। अरे तू तो 10 मिनट भी काम नहीं करता, मैं तो 24 घंटे काम करता हूं। युवक ने कहा, काम करते हो? लगता तो नहीं है, तुम तो मंदिर में ठिया जमता है वैसे जा करके जम गए और मुझे तो कहीं से लगता ही नहीं कि तुम काम करते हो। भगवान ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं काम करता हूं? चल आंखें बंद कर, मैं अभी तुझे बताता हूं कि मैं काम करता हूं कि नहीं। उसने आंखें बंद की और जैसे ही आंखें बंद की कि उसके सामने एक विराट जंगल आ चुका है और जंगल में एक सियार बैठा है जिसकी दोनों टांगे टूटी हुई हैं। वो अपाहिज सियार हाथ जोड़कर भगवान से कह रहा है, ए परवरदिगार, ए भगवान, ए मेरे प्रभु, मेरे दोनों पांव अपाहिज हैं, आप मेरे भरण पोषण की व्यवस्था कीजिए, मैं 3 दिन से भूखा हूं, अगर मेरे लिए कुछ भोजन मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान आप सबका पेट भरते हैं तो मुझ अपाहिज का भी पेट जरूर भर दो। और वो इस तरह की प्रार्थना कर ही रहा है कि अचानक सामने से एक शेर आया, एक झपट्टा मारा, बीच में एक शिकार मिल गया। शेर ने शिकार को पकड़ा और अपना शिकार खाने लगा। खा रहा था कि खाते खाते अचानक उसकी नजर अपाहिज शियार पर पड़ गई। उसने उसको देखा, न जाने उसे क्या सूझा, वो बचा हुआ खाना उसने छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। सियार ने फिर भगवान को कहा, प्रभु थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आखिर आपने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर ही दी। और वो सियार सरकते सरकते, कैसे
सफलता का मंत्र इतना सही है कि अगर तुम आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ सकते हो तो जरूर उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ लगाओ, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो सरको, मगर कोशिश जरूर करो। सियार सरकने लगा और सरकते सरकते आहार के पास पहुंचा, आहार खाने लगा। आहार खाते खाते वो जैसे ही आहार खा रहा था उसे तृप्ति हो रही थी और अचानक जंगल का दृश्य विलुप्त हो गया। युवक ने तय किया हो तो इसका मतलब तय हो गया कि भगवान सबका पेट भरते हैं, फिर मैं क्यों लफड़ा मोल लेता हूं, कभी सोचता हूं टेंशन पालता हूं कि जॉब करूं, कभी सोचता हूं बिजनेस करूं, कभी सोचता हूं पढ़ाई करूं, मैं काहे को ये साले लफड़े पालता हूं, मैं तो मेरे घर जाता हूं, अपने आप भगवान मेरे लिए भी व्यवस्था कर देंगे, जब सीआर के लिए व्यवस्था की है तो मेरे लिए व्यवस्था क्यों नहीं होगी। गया घर में जाके पढ़ गया। घर में जाके पढ़ने का दूसरा नाम ही है आलस्य। घर में जाके पढ़ने का दूसरा नाम क्या है? आलस्य। और घर में जाके पढ़ गया, 2 बजे जाकर सोया होगा, अब आए भगवान की तरफ से भोजन, अब आए भगवान की तरफ से भोजन, 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए, पर बाबा जी का ठुल्ला भी नहीं आया, 10 बज गए, रात को 11 बज गए, भूखे आदमी को रोटी नहीं खाई तो नींद भी तो कहां से आएगी। रात भर करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। और सुबह 7 बजे, रोज तो 9 बजे जाकर भगवान को ओढ़ बदेता था, पर आज तो 7 बजे पहुंच गया, भगवान तेरे चक्कर में आज मैं भूखा मर गया, तूने मेरे लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की। मूर्ति में से भगवान की आवाज आई, भाई क्यों शिकायतें कर रहे हो? बोले भगवान कल रात भर भूखा रहा, दिन भर भूखा रहा, पर आपने भोजन तो भेजा ही नहीं। शियार को आप खाना खिला सकते हैं पर मेरे लिए आपने खाने की व्यवस्था नहीं की। भगवान ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, अगर तू कोई अपाहिज शियार होता तो जरूर मैं तेरे पेट की व्यवस्था करता, पर मैंने तुझे शियार के रूप में नहीं बल्कि शेर के रूप में जन्म दिया है और शेर को अपना पुरुषार्थ खुद करना पड़ता है और अपने भरण पोषण की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। अगर तू कोई लंगड़ा होता, अपाहिज होता, अंधा होता, गूंगा बहरा होता तो जरूर मैं तेरे लिए व्यवस्था करता, पर मैंने तुझे हाथ दिए, पांव दिए हैं, बुद्धि दी है, अंदर में फौलादी दिल दिया है, इसका उपयोग तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुमने केवल अपने आप को अपाहिज बना डाला। दुनिया में जो भी व्यक्ति आलस्य से गुजर रहा है वो हर आदमी अपाहिज है, पर जो भी व्यक्ति लगातार अपना कर्म कर रहा है वो हर आदमी शेर है। वी आर लायन। हर व्यक्ति को अपने आप में ये प्रेरित करना चाहिए कि मैं शेर हूं और शेर हमेशा अपना शिकार खुद करता है, अपने भरण पोषण की व्यवस्था खुद करता है। यहां तक कि शेर की खासियत ये है कि शेर अगर किसी मरे हुए जानवर को देख ले तब भी वो उसे छूता नहीं है, वो खुद अपना पुरुषार्थ करता है। इंसान के सामने 3 तरह की कमाई होती है। पहली कमाई है बाप कमाई। पहली कमाई कौन सी है, सब बोल दो। नंबर 1 बाप कमाई। पापा जी जो माल दे रहे हैं हमें, पापा जी जो माल छोड़ गए, सारे लोग उसी के मजे उड़ाते हैं। तो पहली कमाई है बाप कमाई, दूसरी कमाई है पाप कमाई, दूसरी कमाई है पाप कमाई। ऐसी कमाई कि जिसको करने के लिए आदमी 4 तरह के पाप भी अपने साथ बटोर लेता है, पर तीसरी कमाई है जिसका नाम है आप कमाई। हाथ रखो अपने आप को प्रेरित करते हुए, बोलो कौन सी कमाई? आप कमाई। तीसरी कौन सी कमाई? आप कमाई। अपनी मेहनत के बलबूते कमाई हुई दौलत वो है आप कमाई। जो लोग आप कमाई पर विश्वास करते हैं वो जिंदगी में हमेशा शेर होते हैं, वो कभी भी आलस्य की जिंदगी नहीं जीते। मेरे देखे, मेरे समझे, अगर इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है, कोई अगर रोड़ा है, तरक्की का अगर सबसे बड़ा कोई बाधक है तो एक ही बाधक है और वो है हमारा आलस्य। लोग भाग्य को दोष देंगे, लोग दोष देंगे कि गुरुदेव आपने उस शिष्य को ज्यादा पढ़ाया और इस शिष्य को कम पढ़ाया। कहा था जाकर के कभी, जयद्रथ ने जाकर के कभी कहा था गुरु द्रोणाचार्य के पास कि गुरुदेव आपने कौन सी ऐसी तरकीब सिखाई थी
कि मैं जयद्रथ रह गया और वो अर्जुन बन गया, तब गुरु ने कहा था द्रोणाचार्य ने, मैंने तो तुम दोनों बच्चों को एक जैसी पढ़ाई करवाई थी, पर तूने क्या किया? जितना पढ़ाया उसी में संतोष करके पढ़ा रहता था, और अर्जुन जितना मैंने पढ़ाया वो उसको और आगे से आगे मेहनत करके बढ़ाता चला गया, इसलिए वो अर्जुन अर्जुन बन गया और तुम जयद्रथ के जयद्रथ रह गए। हम जो कह देते हैं वो आदमी इतना तरक्की कर गया, जरूर उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। गड़बड़ उसने नहीं किया, गड़बड़ तेरे पांव में पड़े हुए आलस्य ने किया। जब वो आगे बढ़ सकता है तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? जब वो इतनी तरक्की कर सकता है तो हम आगे तरक्की क्यों नहीं कर सकते? तरक्की न करने के पीछे एक ही वजह है, क्या है? माइंड में फंसा हुआ हमारा आलस्य। रखोगे अगर लेजीनेस तो ऐसे परिणाम आएंगे, अपनाओगे अगर एक्टिवनेस तो देख लो वैसे परिणाम पाओगे। बनोगे एक्टिव तो अपने आप बनोगे प्रोडक्टिव। हम जितने अपने आप में कर्मयोगी और सक्रिय बनेंगे, हमारे जीवन में होने वाला उत्पादन भी उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। कोई भी कार्य की सफलता केवल एक चीज की अपेक्षा रखती है, और वो है तुमने अपनी ओर से उस कार्य के लिए कितनी आहुति दी। जितनी प्रतिशत आहुति दी उतना प्रतिशत हमें उपलब्ध हुआ। जरा सोचो, एक विद्यार्थी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, 10 आते हैं 95% एबोव, 30 आते हैं फर्स्ट क्लास, बाकी के हाथ लटका कर बोले क्या रह जाते हैं? लल्लू छाप। तो बाकी के फेल हो गए। अब सवाल बताओ, मास्टर जी ने पढ़ाने में भेद किया था क्या? तो भेद कहां हुआ? जिसने अपनी 100% एनर्जी लगाई वो 100% तक पहुंचा, जिसने अपनी केवल 70% एनर्जी लगाई वो 70% उपलब्ध हुआ, और जिसने केवल 30% एनर्जी लगाई वो केवल 30% मार्क्स लाया। अगर वही जो 30% मार्क्स लाकर के फेल हुआ है उसने अपनी 70% ऊर्जा किसमें खर्च की? किसमें खर्च की है? हाँ, तो अब उसने खर्च की मौज, शौक, मोबाइल, मटरगस्ती, इधर उधर घूमना, धक्के खाना, इधर उधर ग्राउंडों में घूमते रहना, ये सब आलस्य के अलग अलग रूप हैं। और वही जो लोग टॉप में पहुंचे, हर एक को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो टॉप में पहुंचे हैं वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने अपना 100% लगाया। अगर किसी के मोटापा है वो अगर अपना 100% लगाएगा मोटापे को कम करेगा। कोई अगर बीमार रहता है लगातार, वो अगर अपने 100% प्रयास करेगा तो आज नहीं तो कल, एक महीने में नहीं तो 3 महीने में अपनी बॉडी को हर तरह से ठीक करने में सफल हो जाएगा। कौन व्यक्ति कितना परसेंट लगाता है इस पर निर्भर करता है। हमेशा याद रखो कि तकिए से कभी कील नहीं ठुकती है। अंदर तक बैठाओ। क्या कहा? क्या है? क्या बोलो आप? हाथ में लो तकिया और अब देखो कि कील क्यों नहीं ठुक रही है। तकिए से कभी कील नहीं ठुकती, कील ठोकने के लिए तो अब उठाओ हथौड़ा, अपने हाथ को हथौड़ा बनाओ, अपने आप को अंदर से जगाते हुए झंकृत करते हुए बोलो, अब तक अगर मेरी जिंदगी में सफलता की कील नहीं ठुक पाई तो इसलिए नहीं ठुक पाई क्योंकि मैंने हमेशा तकिए से कील को ठोकना चाहता। मुझे कील ठोकने के लिए तकिए की नहीं बल्कि पूरे मजबूत हथौड़े की जरूरत है। और अगर हमने हथौड़ा लगाया और कील न ठुकी, ये संभव ही नहीं है। जो असंभव को संभव बना दे उसका नाम है उद्यम। हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक है आलस्य और दूसरा है उद्यम। आलस्य हमें रोकता है और उद्यम हमें आगे बढ़ाता है। बचपन में मैंने भी सीखा है, शायद आपने भी पढ़ा हो कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। किस किसने ये लाइन सुनी है हाथ खड़ा करके बताइए तो। हितोपदेश की ये पंक्ति
जिंदगी भर के लिए ये प्रेरक वाक्य है हमारे हितोपदेश का। और वो वाक्य क्या है सब बोलो तो, उद्यमे नहि, सब बोलो उद्यमे नहि, ठेठ पीछे तक लोग बोलिए क्या है, उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ते, उद्यम से ही सिद्धि मिलती है। कार्याणि न मनोरथै, कभी भी मन मन करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। किसी ने अगर अपने जीवन में स्वर्ग नहीं देखा है तो मैं आप सब लोगों को स्वर्ग दिखा सकता हूँ। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में नरक नहीं देखा है तो मैं उस नरक का भी दीदार करवा सकता हूँ। और जीवन का स्वर्ग क्या है, जीवन का नरक क्या है, आलस्य जीवन का नरक है और उद्यम ही जीवन का स्वर्ग है। आलस्य जीवन का नरक है और उद्यम ही जीवन का स्वर्ग है। जो लोग भी आगे बढ़े हैं उनसे प्रेरणा लो और सीखो कि आखिर वो लोग क्यों आगे बढ़े हैं, और जो लोग पिछड़ गए हैं उनको देखकर भी प्रेरणा लो कि ये लोग क्यों पिछड़ गए हैं, पिछड़ने की वजह उनका आलस्य है। भाग्य को क्यों दोष देते फिरते हो? हो सकता है कि अर्जुन का भाग्य रहा होगा, पर जिसने भी उद्यम किया है वो एकलव्य भी अर्जुन के बराबर का ही तीरंदाज बना है। माना वो छोटे कुल में पैदा हुआ, माना उसको सिखाने वाला कोई गुरु नहीं, उसे पता था, गुरु के पास गया कि उस युग का सबसे बड़ा धनुर्धारी अगर कोई गुरु है तो द्रोणाचार्य है। गया सीखने के लिए, पर द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया, मैं केवल राजकुल का गुरु हूं और राजकुल के क्षत्रिय वंश में पैदा हुए उन विद्यार्थियों को ही विद्यादान देता हूं, मैं तुम्हें छोटे जात के व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। चैलेंज, जीवन का निर्माण अमीरी से नहीं बनता, जीवन का निर्माण हमेशा चुनौतियों से बनता है। किस व्यक्ति को अपने जीवन में जितनी चुनौतियां मिली है वो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए उतना ही उत्साहित होता है। कई दफा जो काम गुरु का ज्ञान नहीं कर पाता वो गुरु के द्वारा दी जाने वाली चुनौती दे जाया करती है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया, मैं कहूँगा अपने माँ बाप को जाकर के 3 बार थैंक यू जरूर कहना कि मम्मी पापा आपको धन्यवाद है कि आपने बिना कुछ दिए मुझे घर से अलग कर दिया था। अगर तुम्हें कुछ देकर करते तो तुम केवल लखपति ही बन पाते, पर बिना कुछ दिए तुम्हें घर से अलग किया तो अपने जीवन के संघर्षों का सामना तुमने खुद ने करना सीखा और तुम लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बने। इसलिए बने क्योंकि जीवन में चुनौतियां मिली कि अब अगर जीना है तो मुझे मेरे बलबूते ही जीना पड़ेगा। इंसान को ज्यों ज्यों मैदान मिलेगा त्यों त्यों आदमी खेलना सीखेगा। मोबाइल पर बैठकर गेम खेलने से आज तक कोई भी आदमी सचिन तेंदुलकर की, विराट कोहली की, रोनाल्डो नहीं बन पाया। जो भी बन पाया है वो वही बन पाया है जिसने मैदान में उतर करके अपना काम किया है। उपलब्धियां अगर हासिल करनी हैं, ऊंचाइयां अगर छूनी हैं तो हमें मैदानों में उतरना पड़ेगा, मैदान पर काम करना पड़ेगा। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको भी आपके बच्चों को भी, आप प्रेरणा ले लें अच्छी बात, आप अपने बच्चों के लिए प्रेरणा ले लें अच्छी बात, कुल मिलाकर एक ही बात सिद्ध हो जानी चाहिए, आलस्य छोड़ो। अगर कोई पूछे कि चंद्र प्रभु आप अपने द्वारा लोगों को कौन सी चीज छोड़वाना चाहेंगे, तो मैं केवल सबसे पहले एक ही चीज का नाम लूंगा। क्या है उसका नाम? आलस्य। क्योंकि इसको त्यागने से मुझे पता है कि कितनी उपलब्धियां होती है, और जो लोग भी आलस्य कारण दिन भर पड़े रहते हैं मुझे पता है कि वो कहां बीच में लटक जाते हैं, वे त्रिशंकु बन जाते हैं। कृपा करके अपने आप को कुंभकर्ण मत बनने दो, अपने आप को महावीर बनाओ कि जो प्रतिपल अपनी साधना के लिए लग करके केवल ज्ञान परम ज्ञान को उपलब्ध कर गए। कुंभकर्ण केवल सोया रहा, सोया रहा, सोया रहा, सोया रहा, और सोए सोए रहने का कभी कोई परिणाम नहीं आता। अधिक सोना भी आलस्य का ही दूसरा नाम है।
रेगिस्तान के रास्ते से लोग गुजर रहे थे, एक अमीर युवक भी उधर से गुजर रहा था। प्यास लगी, कुएं के पास पहुंचा, पास में देखा बाल्टी भी पड़ी है, रस्सी भी पड़ी है, अंदर कुएं में झांक कर देखा पानी भी है, इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आ रहा है। बोले अच्छा एक काम करता हूं, यहीं पर ही बैठ जाता हूं, अमीर घर घराने में पैदा हुआ हूं तो मैं अपने हाथ से भला पानी कुएं का कैसे निकाल पाऊंगा, वहीं बैठ गया, देखता हूं कोई आता है तो निकाल करके मुझे भी पानी पिला देगा और खुद भी पी लेगा। अब वो वहां पर बैठ गया, कुएं की मुंडेर पर बैठा है और किसी के आने का इंतजार कर रहा है। पानी पास में हो, गले में प्यास हो और फिर भी अगर आदमी नहीं पी रहा तो उसे क्या कहेंगे हम? आलस्य। उसे हम कहेंगे आलसी टट्टू, एक नंबर का आलसी टट्टू है। अमीर घर का बेटा आके बैठ गया, इतने में इंजरी कर रहा है, तभी दूसरा कोई घोड़े से आया। प्रतीकात्मक कहानी है, पर प्रतीकात्मक चीजें जीवन को प्रेरित करती हैं। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भैया थोड़ा पानी निकाल कर पिलाना। तो उसने कहा यार मैं तो खुद ही किसी तीसरे की इंतजारी कर रहा था, तू आ जा तू पानी निकाल दे। तो बोले तू क्यों नहीं निकालता? बोले मैं अमीर ज्यादा हूं, अमीर घर में पैदा हुआ हूं, मैं कैसे पानी निकाल करके पिला सकता हूं। दूसरे ने कहा भाई तू अमीर ज्यादा तो मैं नवाब ज्यादा हूं, मैं नवाब का बेटा हूं और मैं भला पानी निकाल कर कैसे पिला सकता हूं। अब एक बैठा तो दूसरा भी बैठ गया, आलसी को आलसी मिले और दोनों ही प्यासे मर रहे हैं, इंतजारी कर रहे हैं। तभी एक और तीसरा युवक आया, फिर घोड़े पर आया, वहां पर आया और उसने कहा भैया थोड़ा पानी निकाल कर पिलाना। तो उसने कहा भाई हम तो खुद तीसरे की इंतजारी कर रहे हैं, कोई आए तो पानी पिलाए। बोले क्यों भाई आप लोग क्यों पानी नहीं पी सकते? बोले मैं अमीर ज्यादा। दूसरे ने अपने आप परिचय क्या दिया, मैं क्या हूं, मैं नवाब ज्यादा। पहले ने कहा अमीर ज्यादा, दूसरे ने कहा नवाब ज्यादा, तीसरे ने कहा जब तुम खुद नहीं पी सकते तो मैं कहां से, मैं तुमसे भी सीनियर हूं, तुम तो मेरे आगे जूनियर हो। बोले क्यों तेरा क्या परिचय? बोले मैं शहजादा हूं। एक अमीर ज्यादा, दूसरा नवाब ज्यादा, तीसरा शहजादा, अब मैं कैसे पानी निकाल कर पिला सकता हूं? और वो भी आकर के बैठ गया। अब फिर किसी चौथे की इंजरी कर रहे हैं कि तभी साइकिल पर चलता हुआ चौथा युवक आया, प्यास लगी थी, कुएं के पास में आया, बाल्टी उठाई और झट से कुएं में डालने लगा। तभी वो तीनों बोल उठे एक साथ, ओ भैया तू पानी पी रहा, हम लोगों को भी पानी पिला देना, हमें भी पानी पिला देना। उसने कहा गजब यार तुम तीनों लोग बैठे हो, कुएं में पानी है, अपने आप निकाल कर नहीं पी सकते? उन्होंने कहा भैया हम कैसे निकाल कर पी सकते हैं, परिचय दो तो क्या है? एक क्या है, अमीर ज्यादा, नंबर दो नवाब ज्यादा, नंबर तीन शहजादा। तो बोले साहब हम लोग तो तीनों ये हैं, हम कैसे पानी निकाल कर पी सकते हैं? उसने कहा ओ, तो उसने पानी कुएं में बाल्टी डाली, पानी भरा, बाहर निकाला, पानी पिया। वो तीनों खड़े हो ही रहे थे पानी पीने के लिए, उसने बचा हुआ पानी वापस कुएं में डाल दिया। बोले क्या अरे रे 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 ये क्या कर रहे हो? बोले मेरे हाथ का पानी तुम तीनों के काम का नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं चौथा ज्यादा हूं। बोले तुम कौन से ज्यादे हो भाई, साइकिल पर चले हो, तुम कौन से ज्यादे? बोले मैं हराम ज्यादा हूं। मैं कौन हूं? मैं हराम ज्यादा हूं। बोले ये कौन सी कौम हुई भी हराम ज्यादा? बोले जहां पर अमीर ज्यादा, नवाब ज्यादा, शहजादे लोग मिलकर के आलसी टट्टू बन जाते हैं, वहां पर मुझ जैसे चौथे जादे को पैदा होना पड़ता है जो तुम तीनों को अक्ल दे सके और ये बता सके कि पानी पास में तो खड़े हो और पानी पियो, जिसको प्यास होगी वो पानी पिएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तुम अपने आप उठोगे और पानी पियोगे। मेरे भाई अमीर ज्यादा, नवाब ज्यादा और शहजादा बनने से काम नहीं चलेगा, काम तो तभी चलेगा उद्यमे न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से, कर्म करने से ही आदमी का कार्य सिद्ध होता है, मन मन करने से आदमी का कार्य सिद्ध नहीं होता। मैं नीति शास्त्र की एक पवित्र लाइन का उपयोग करूंगा और सबको याद करने के लिए कहूंगा जिंदगी भर,
जब जब आपको लगे कि मेरे शरीर में आलस्य हावी हो गया, तब तब इस लाइन को जरूर याद कीजिएगा। मैं भी याद रखता हूं, इसलिए आप सबको प्रेरणा के रूप में निवेदन कर देता हूं। और वो लाइन है, आलस्यम कुतो विद्या। सब बोल लो, जो पीछे तक बैठे हैं सब बोल लो, अपना आलस्य हटा करके बोलो, क्या है? आलस्यम कुतो विद्या, कुतो वित्तम, कुतो यशः। अब हिंदी में इसका मीनिंग समझो, आलस्यम कुतो विद्या, आलसी आदमी को विद्या कहां से आएगी? कुतो वित्तम, आलसी आदमी धन कैसे कमाएगा? कुतो यशः, आलसी आदमी को यश और बल कहां से मिलेगा? अगर आरोग्य और धन में अगर बलवान होना है, आरोग्य और धन को अगर पाना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा, छोड़ो। किसको? किसको? आलस्य को, लेजीनेस को छोड़ो, लेजीनेस अपनाओ, एक्टिवनेस। यही वो फॉर्मूला है, यही वो मार्ग है जो इंसान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आलसी लोग क्या करते हैं पता है? यहाँ आएंगे, दिव्य सत्संग में भी आएंगे, सुनेंगे तो बड़ा जोश जगेगा। नहीं यार, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, बाप जी ठीक कह रहे हैं, महाराज जी ठीक कह रहे हैं, गुरु जी ठीक कर रहे हैं। नहीं यार, अब कल से अपन वापस ऐसा करेंगे। घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा तक तो उसका जोश बना हुआ रहता है, और दो घंटे तीन घंटे के बाद क्या होता है? जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं। पता है वैसे ही क्यों बने रहते हैं? क्योंकि आलस्य हमारे जीवन में नस नस में घुस चुका है। जैसे नशे के तत्व शरीर के कण कण में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे ही आलस्य हमारे शरीर में कण कण में प्रवेश कर चुका है, नस नस में उतर चुका है। हमारी नसों को ऊर्जावान बनने की, स्फूर्तिवान बनने की तमन्ना ही नहीं जगती, केवल पड़ा रहे। नहीं यार, क्यों लफड़े में जावे, 9 बजे तक सुता भाई, अरे मस्ती ले रहे यार, कहीं पड़ी है यार जागरण में। कई बिना अकल के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि साहब सुबह जल्दी जगने से क्या होता है? अगर जल्दी जगने से भाग्य बनता हो तो अखबार वाले रोज सुबह जगते हैं, 4 बजे जगते हैं और जाकर के अखबार बांटते हैं, उनका तो भाग्योदय नहीं होता। किसने का भाग्योदय नहीं होता? अगर वो अखबार नहीं बेचते तो आज उनको भीख मांगनी पड़ती है, पर वो अखबार बेच बेच कर ही सही अपने घर को आज ऊंचा उठा रहे हैं। कल तक जो आदमी अखबार बेचता था, वही अखबार बेचने वाला आदमी भारत का महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बनता है। सुबह सुबह बोले लगता क्या है ये सब में? अरे भाई, अरे अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखो, खुद को हमेशा सकारात्मक प्रेरणा दे करके रखो, हमेशा अपने आप से कहा करो आई एम द बेस्ट। क्या सकारात्मक प्रेरणा दिया करो हमेशा अपने आप को, आई एम द बेस्ट। वापस बोलो, क्या है? आई एम द बेस्ट। फिर तीसरी बार बोलो, आई एम द बेस्ट। हो सकता है कि मैं पड़ोसी से बेस्ट ना हूं, पर 3 पंक्ति जो पीछे बैठा है उससे तो मैं बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट। पहली प्रेरणा दो अपने आप को, खुद हर आदमी को अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। हमारे सत्संग, हमारे प्रवचन, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेशन है। हम केवल इंसान को जगा रहे हैं, चेतना को जगा रहे हैं, क्योंकि हम हर इंसान को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। जो काम तीर्थंकरों ने किया था कि मानव समाज की सेवा करके मानवता को ऊंचा उठाओ, वही काम हम कर रहे हैं कि हर दृष्टि से हर मानव ऊपर उठना चाहिए। न कुछ लेना है न देना है, मगर फिर भी मानवता के काम आना है। हर किसी व्यक्ति को अंदर से अपने आप को जगाना चाहिए, आई एम द बेस्ट है, आई एम द बेस्ट। क्या कहा आपने? आई एम द। कई लोग जो लटके लटके बोल रहे हैं ना, वो फिर थोड़े सीधे हो हैं? यहां पर पहले मजबूत करो चेस्ट, उसके बाद बोलो आई एम द बेस्ट। क्या करो? पहले मजबूत करो अपना चेस्ट, उसके बाद बोलो आई एम द बेस्ट। तो अपने आप को सकारात्मक प्रेरणा हर व्यक्ति को देनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर।
मैं श्रेष्ठ हूं, मैं विजेता हूं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई कैन डू. टुडे इज माई डे, ये बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत बड़ा प्रेरक वचन है कि टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है. मैं इसलिए कहता हूं कि आज का दिन मेरा दिन है. मैं सबसे कहता हूं, जब भी सुबह जगो तो इस उम्मीद और उत्साह से जगो कि मैं अपने आज के दिन को कल से बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने आज के दिन को कल से बेहतर बनाऊंगा. और कल से मैं कैसे बेहतर बना सकता हूं, इसीलिए हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, ये मोटिवेशन है. हो सकता है आज दुनिया हमारी कीमत समझे या ना समझे, पर हजार साल बाद भी लोग हमें याद करेंगे और अपने जीवन के लिए उजाला और रोशनी हासिल करेंगे. वे महापुरुष भी चले गए, तब शायद लोगों ने उनके कान में कीले ठोके होंगे, सलीब पर चढ़ाया होगा, जहर पिलाया होगा. आज लोग उनको मानते हैं. हमें पता है हजार साल बाद लोग हमें हमारी बातों को पढ़कर सुनकर और अपनी जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे, अपनी जीवन के लिए आशा और उत्साह जगाएंगे. इसलिए कहता हूं, अपने आप को जगाओ, आलस्य को छोड़ो, हमेशा मान कर चलो, आई एम द बेस्ट, मैं अपने हर आज के दिन को कल से बेहतर बनाऊंगा. अंतिम लाइन मोटिवेशन के रूप में अपने आप से कहा करो, ऊपर अंगुली उठाओ, अब अपने आप से बोलो, क्या लाइन है? गॉड इज ऑलवेज विद मी, ईश्वर सदा मेरे साथ है, ईश्वर सदा मेरे साथ है. और जो व्यक्ति, देखो कुछ एक लोगों का उदाहरण देता हूं, अगर अपन सामने बैठे कुछ लोगों को देखते हैं, देखो एक व्यक्ति, वो देखो सामने बैठे का राजा साहब मेहता, अजीत कॉलोनी, कॉलोनी में मंदिर बना हुआ है. पापा जी का सामर्थ्य नहीं था कि बड़ा भारी मंदिर बना सके, कॉलोनी में छोटा सा मंदिर बनाया. पिताजी कोई करोड़पति नहीं थे, जैसा उनसे बन पाया उन्होंने खुद से और चार लोगों से सहयोग लेकर मंदिर खड़ा कर दिया. अब रेलवे में जॉब करते थे, अब जॉब करने वाले आदमी का सामर्थ्य तो इतना ही हो सकता है. बेटे ने अपने पापा के मंदिर को देखा, उनके कर्म योग को देखा, उनके निर्माण को देखा और बेटे ने मन में ठान लिए, मेरे पापा का सामर्थ्य नहीं था तब भी उन्होंने इतना कर दिया, मेरे पापा ने मुझ जैसे बेटे को पैदा किया है और मेरा तो बहुत बड़ा सामर्थ्य है, मैं इस छोटे से मंदिर को भी इंडिया वाइज बना दूंगा. और उसने बना करके दिखा दिया. किसी भी व्यक्ति को अपने मंदिर में एक ज्योत जलाते भी तीन बार सोचना पड़ता है, यार फालतू घी बढ़े, फालतू घी बढ़े. इनके मंदिर में रोज 27 घी के दीपक जल रहे हैं, 27 अखंड ज्योतियां जल रही है और वर्षों से जल रही है. कैपेसिटी बना ली, मंदिर को भी आलिशान बना दिया. प्रेरणा लो, छोटा सा है पर फिर भी हम इसे बड़ा बना सकते हैं. इंसान गरीब धन से नहीं होता, सोच से गरीब होता है. और जिस दिन आदमी की सोच बड़ी बन जाती है, एटीट्यूड आदमी का बड़ा बन जाता है, आदमी बड़ा होना शुरू हो जाता है. लो, ये सामने बैठी है गीता जी अरोड़ा, ठीक है, सामान्य गृहिणी थी पर ठान लिया. तो रोज दिन भर क्या करती है? सुपारी, खजूर, सौंफ और ये सब मिला मिला करके और शानदार जोरदार गुलकंद वगैरह मिला करके ये मुखवास बनाती है. और इतना सुंदर मुखवास बनाती है कि मैं न खाने वाला आदमी भी ग्रहण कर लिया करता हूं. आदमी ठाने और आगे बढ़े, आलस्य छोड़ेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा. मोटिवेट करते रहा करो. इसलिए मैंने कहा, जो आगे बढ़े हुए हैं उनसे भी प्रेरणा लो और जो हमसे पिछड़ चुके हैं उनसे भी प्रेरणा लो. जो पिछड़ चुके हैं उनसे प्रेरणा लो, इन्होंने आलस्य खाया इसलिए पिछड़ गए. और जो आगे बढ़े हैं उनसे प्रेरणा लो, जरूर इन्होंने इतना मेहनत किया होगा, स्मार्ट वर्क किया होगा, शार्प वर्क किया होगा, हार्ड वर्क किया होगा, तब आज वो यहाँ तक बढ़ चुके हैं. जब वो बढ़ चुके तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता.
ये मत सोचना कि जब वो पिछड़ गए तो मैं क्यों नहीं पिछड़ सकता, पिछड़े हुए तो हैं ही। हर आदमी को सुबह जगते समय यही तय करके उठना चाहिए कि मैं आज के दिन को कल से बेहतर बनाऊंगा। अगर मैं मेरी साधना भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं, मेडिटेशन भी करता हूं, तो हमेशा ये बोध और विवेक बना करके बैठता हूं, कल मैं जितनी शार्पनेस के साथ मैंने मेरा मेडिटेशन किया, आज मैं उससे और बेहतर अपनी शार्पनेस के साथ मेडिटेशन करूंगा। जो जिस मार्ग पर चले वो हर मार्ग आदमी को मंजिल पर पहुंचाता है। मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं, मंजिलें मत बदलो। जब भी बदलने हो तो रास्ते बदलो। एक रास्ता अगर नहीं पहुंचाता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये रास्ता नहीं पहुंचाता तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला रास्ता अपनाएंगे। दूसरा वाला नहीं पहुंचाया तो तीसरा वाला रास्ता अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर प्रेरणा दी गई कि भई संत जीवन में खूब तप त्याग किया जाता है, तो मैंने उपवास कर करके देखे, पर मुझे उपवास करने पर लगा यार मेरी बॉडी को ये उपवास बार बार सूट नहीं खाता है। जिस दिन मैं उपवास करता हूँ, अगले दिन सुबह जब उठता हूँ तो अपनी धर्म आराधना भी मैं पूरी कर नहीं पाता हूँ। तो मुझे लगा कि भाई जिनको उपवास सूट करता है वे करें, मेरी बॉडी को उपवास सूट नहीं करता। तो ये किसने कहा कि धर्म का केवल एक ही मार्ग होता है? धर्म के 100 मार्ग हैं, ये मार्ग सूट नहीं करता तो कोई बात नहीं, और अभी तक 99 रास्ते तेरे लिए खुले हैं। कोई ये नहीं कि इसी मार्ग से तुम पहुंचोगे, पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। मंजिल सबकी एक है, रास्ते सबके अलग अलग हैं। ये रास्ता अगर सूट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, और 10 तरह के रास्ते हैं, उनमें से रास्तों को अपना करके देखेंगे, पर मंजिल को तो जरूर हासिल करेंगे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। सब बोलो, अपने आप को मोटिवेट करो। बहुत अच्छे राष्ट्रकवि हुए हैं सोहन लाल जी द्विवेदी, और उन्होंने कभी यह बहुत सुंदर कविता का गान किया था कि लहरों से डर कर नौका, जो नहीं बोले वो भी बोल लो, लहरों से डर कर नौका, अपने आलस्य को छोड़ो, सीधी कमर करो, खुद को अंदर से जगाओ, और अब सब बोलो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। सब बोलो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन ही चींटी, अब लो प्रेरणा, कौन सी चींटी? मैं कोई हाथी का नाम लेकर आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं। कौन सी? अब जिसकी कोई औकात नहीं होगी, जिसको आप मानते हैं कि यह तो बिल्कुल ही, अब बताओ उसके साथ अपन अपनी तुलना करके खुद को प्रेरित कर रहे हैं कि नन ही चींटी है? वो कहते हैं ना, छोटा सा एक मच्छर इतनी बड़ी काया को हिला करके रख देता है, तो एक छोटा सा मच्छर यानी कि हमारा एक छोटा सा प्रयास भी हमारी जिंदगी को कायाकल्प करने में समर्थ बन जाता है। लो सब साथ साथ गाते हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। नन ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, प्रेरित करो अपने आप को, नन ही चींटी याद करो, अब वो दीवार पर चढ़ रही है, हाथ में क्या है उसके, पांव में क्या है उसके, एक चीनी का दाना। और आपको बता दूं, चींटी का वजन चीनी के दाने से चौथाई होता है, मगर फिर भी नन ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, क्या है? चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना। नहीं अखरता है मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत, बोलो सब बोलो, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, कौन? गोताखोर। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है।
जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह बस इसी हैरानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, चैलेंज लो अपने सामने, चैलेंज से आदमी के जीवन का निर्माण होता है। चंद्र प्रभु भी अगर बोलता है तो बोलना तब शुरू किया था जब उसे अपनी जिंदगी में चैलेंज मिला कि ये तो कल का संत बना हुआ है, ये आदमी क्या बोल पाएगा। इंसान के जीवन का निर्माण मां के पेट में नहीं होता, इंसान के जीवन का निर्माण चुनौतियों से होता है, और चुनौती मिली और चुनौती जिसने भी कबूल कर ली वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार कर सकता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आलस्यम कुतो विद्या कुतो वित्तम कुतो यश, आलस्य जब तक व्यक्ति करता रहेगा तब तक वह कैसे तो विद्या अर्जन करेगा, कैसे वो व्यक्ति धन का अर्जन कर पाएगा, कैसे वो बल और यश प्राप्त कर पाएगा, कैसे वो आरोग्य का मालिक बनेगा। आलसी बने रहोगे तो कुछ भी संभव नहीं, कछुए और खरगोश से सदा प्रेरणा लेते रहो, कछुआ निर्बल फिर भी मंजिल को पा गया, खरगोश मजबूत पर आलस्य के कारण पीछे छूट गया। कभी भी हम अपने आप को कुंभकर्ण नहीं बनने दें, बना सको तो अपने आप को महावीर बनाओ, बना सको तो अपने आप को राम बनाओ। अगर आलस्य कर जाते राम तो कभी भी सन नारी सीता को वापस अयोध्या नहीं ला पाते, पर आलस्य से लंका नहीं जीती जाती। जिंदगी की लंका को जीतने के लिए तो आगे बढ़ना होगा, टीम वर्क के साथ काम करो। सब लोग याद रखो, अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी क्यों ना हो, अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता। क्या करना पड़ेगा, टीम शब्द को याद करो, क्या कहा मैंने, टीम वर्क। अब जरा सोचो कि आज अगर हम लोग आप लोगों के सामने मुखातिब होते हैं रोज, तो टीम वर्क क्या है। एक दिन चंद्र प्रभु बोलते हैं, एक दिन ललित प्रभु बोलते हैं, हो गया ना टीम वर्क वाला काम। ये क्या है, ये टीम वर्क है, और व्यक्ति कोई भी टीम वर्क के रूप में एक 1+1 होता है, पर जिस आदमी को समझ है उसको पता है कि 1+1 11 होता है, 1 और 1 11 होते हैं। टीम वर्क के साथ अगर काम करोगे तो तुम दुनिया के लिए बहुत डबल चौबल 6 गुना कर पाओगे। ऐ मेरे भाई बहनों, खुद को कुंभकर्ण मत बनने दो। टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है, और मैं मुझे पता है कि हमारे साथ कौन है। हाथ ऊपर उठाकर बोले तो हमारे साथ कौन है, कौन है, कौन है, है? गॉड इज ऑलवेज विद मी। गीता के नायक ने कह रखा है कि योग क्षेमम वाहम्यहम, मैं तुम्हारे योग और क्षेम को वहन करता हूं। अर्थात गीता का नायक श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो ये विश्वास कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वो काहे की चिंता करे कि जब वो मेरे साथ है तो कौन चिंता करे, कौन मेरे खिलाफ है। होगा सो होगा, हम निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसका फल भी हमेशा निस्वार्थ आएगा। भगवान कहते हैं, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना वो मेरा काम है। आगे बढ़ने का तो एक ही मंत्र है, चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।
आगे बढ़ते रहो। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आलस्य छोड़ो। और आलस्य छोड़ने के लिए सोचो, क्या आप लोग बता सकते हैं इंसान को आलस्य क्यों आता है? कारण ढूंढते हैं हमें कि हमें आलस्य हम पर हावी क्यों होता है। कौन बोलेगा? देखता हूं, आलस्य क्यों आता है हमें, आलस्य हम पर हावी क्यों है, कौन बोलेगा? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, हाँ दीजिए, देखते हैं कौन क्या क्या जवाब देता है। मन में कार्य करने की इच्छा नहीं होती है तो। मन में काम करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए आलस्य आता है, नंबर एक। और कौन बोलेगा? कार्य करने के लिए मन के अंदर उसकी प्रेरणा नहीं बढ़ पाती है, जिस कारण से उसको आलस्य आ जाता है। ठीक है, कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिल पाती है, इसलिए उसमें आलस्य सवार होता है। और कौन बोलेगा? मेरी अच्छी नहीं है, लेट उठता है, लेट सोता है, उसको आलस्य आता है। हाँ, जिसकी जीवन शैली ठीक नहीं है, लेट उठता है और लेट सोता है, वो आदमी आलसी बन जाता है। हाँ, वेरी गुड। और देखते हैं और कौन, अपने अपने कारण बताओ कि आलस्य आदमी पर क्यों हावी हो जाता है। कुछ कर गुजरने की जो लक्ष्य होता है वो नहीं होता है। Very और good. मन का विश्वास कमजोर होता है और उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ जो है रास्ता नहीं होता है, तो इसीलिए आलस में पड़ा रहता है। वेरी गुड, बोले लक्ष्य नहीं होता, मन में कार्य करने की रुचि नहीं होती, तो आदमी में आलस्य हावी होता है। चलिए देखते हैं और कौन सवाल जवाब देगा। आलस्य मेंटल ब्लॉकेज है, मानसिक दिमाग में एक आलस्य है बस, और कुछ नहीं। ये कहते हैं ये मेंटल प्रॉब्लम है। आलस्य खाना अपनी आत्महत्या करने के समान होता है, आलस्य करना अपने आप में जीवित मृत्यु है। चंद्र प्रभु की पाठशाला वही ब्लॉकेज खोलने के लिए तो है प्रभु जी। वेरी गुड, और कौन बोलेगा? उनको देव तो देखते हैं क्या समाधान निकल कर आता है, देखते हैं। घर में अगर आपका माहौल आलस्य का नहीं है, आपके मम्मी पापा भाई भाभी वगैरह अगर जल्दी उठते हैं, पुरुषार्थी है, तो घर में आलस्य टिकेगा ही। वेरी गुड, इनका कहना है कि अगर घर का माहौल पॉजिटिव है और घर के सारे सदस्य अगर एक्टिव रहते हैं तो वहां पर आलस्य का काम नहीं होता। महिलाओं को देते हैं, देखते हैं कौन क्या बोलता है। जीवन में कोई भी नियम नहीं हो, नियम का अभाव होने से दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है, जिससे आलस्य हावी हो जाता है। जीवन में कोई नियम उपनियम ना होने कारण आदमी को आलस्य आ जाता है। अरे भाई, बहुत सारे ढेर सारे कारण बता दिए आप सब लोगों ने, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है कि हम अपने जीवन से आलस्य को हटाएंगे। अब सोचो कितने लोग अब चाहते हैं कि हमारे जीवन से आलस्य हट जाए, कितने लोग हैं? हाँ, वेरी गुड, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे जीवन से आलस्य हटे। तो पहले आलस्य के कारणों को समझो और हटाओ। जीवन में आलस्य आता है, अधिक नींद या कम नींद लेने कारण आदमी को आलस्य आता है। रात को लेट लेट सोते हैं, सुबह पूरी नींद हो नहीं पाती, तो दिन भर आदमी पर आलस्य बना हुआ रहता है। दूसरी वजह, जरूरत से ज्यादा हम खाना खाते रहते हैं तो फिर आदमी को आलस्य आता है। भाई साहब, पांव तो वही दो हैं और ऊपर बॉडी का भार हाथी जितना हो गया, तो फिर पांव बेचारे इस बॉडी को उठाएंगे कहां से? तो आदमी आलसी की तरह दिन भर पड़ा रहता है। आदमी इसलिए आलसी बनता है क्योंकि आदमी के सामने उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि उसे दिन में करना क्या, जीवन में करना क्या है, ये उस पर लक्ष्य हावी नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए भी आदमी आलसी बन जाता है। आदमी लापरवाह वाली जिंदगी जीता है, इसलिए भी आदमी आलसी बन जाता है। घर वाले उसे प्रेरित नहीं करते, इसलिए भी आदमी आलसी बन जाता है। इसलिए अपने बच्चों से कभी मत कहो तू साला गद्दो था, मैं कहीं अक्कल को नहीं, बल्कि ये कहो कि मेरा बच्चा क्या है, अंगुली बढ़ाओ आगे, क्या बोलो, टनाटन है, फर्स्ट क्लास है। प्रेरित अगर करते रहोगे, प्रोत्साहन अगर देते रहोगे, तो अंदर से आलस्य टूटेगा। तो क्या करो मेरे भाई, छोटे छोटे कुछ खास बिंदु, छोटे छोटे कुछ खास बिंदु। नंबर एक, रोज सुबह आलस्य मिटाने के लिए रोज सुबह
30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक के लिए एक्सरसाइज के लिए अपना समय जरूर निकालो। जितनी अच्छी फिटनेस होगी उतना अच्छा फ्रेशनेस होगा, और जितना अच्छा फ्रेशनेस होगा उतना ही अच्छा उद्यम और कर्मयोग हो पाएगा। तो अपने द्वारा 30 मिनट ही सही, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो। ये मत समझो कि साहब 30 मिनट मेहनत करेंगे तो हमारी ऊर्जा तो मेहनत में खर्च हो गई। ना, हमने अगर 30 मिनट मेहनत की है तो हम अपने आने वाले पूरे दिन के 12 घंटा के लिए खुद अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए खुद को हम तैयार कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, एक्सरसाइज से क्या परिणाम आता है? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल फिट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति ये प्रश्न उठाता है कि साहब 30 मिनट अगर मैंने मेहनत कर ली सुबह सुबह, मेरी एनर्जी तो उसी में खर्च हो गई, तो फिर दिन भर मैं क्या करूंगा, क्या जवाब देंगे आप? प्रभु स्टैमिना बढ़ जाता है। सभी सुनिएगा, डॉक्टर से सलाह दिला रहा हूँ, क्या होता है, नंबर एक स्टैमिना बढ़ जाता है, नंबर दो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन उसका दुरुस्त हो जाता है। एक्सरसाइज अगर करोगे तो बॉडी का केमिकल ठीक होगा। नंबर एक, बॉडी का केमिकल ठीक होगा, बॉडी और माइंड में जो हमारे केमिकल बनते हैं वो केमिकल हमारे दुरुस्त होंगे। नंबर दो, जिनका ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है उनका ब्लड प्रेशर अपने आप में संतुलित होता है। नंबर तीन, हड्डियों में रहने वाली जकड़न हमारी दूर होती है। नंबर चार, नसों में हमारी स्फूर्ति और ताकत आनी शुरू होती है, हमारा स्ट्रेंथ पावर बढ़ता है। नंबर पांच, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी और अधिक डेवलप होती चली जाती है। नंबर छह, अगर आप रोज चाहे सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आपके अंदर के प्राण ऊर्जा का लेवल अपने आप बढ़ता है। भाई प्रॉफिट तो गिनाता ही चला जाऊंगा, पर बुनियादी बात यह है कि हर आदमी को अपने आलस्य को तोड़ने के लिए सुबह सुबह 30 मिनट आज से ही अपना कर देख लो। जरूरत लगे तो सुबह शाम दो समय करो, जरूरत ना लगे तो कम से कम एक समय तो हर व्यक्ति करे। केवल एक महीने के लिए करके देख लो, 21 दिन के लिए करके देख लो और खुद अपना रिजल्ट तय करो। एक्सरसाइज मेरे जीवन के लिए आलस्य को तोड़ने में इसने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। अब अपन बोले बाप जी ने कह दिया एक्सरसाइज कर लो, दो चार टांगे ऊंची नीचे कर लेंगे, अरे बोले ठंडे यार कौन लफड़े में हाथ डाले, अपन पड़े हैं ना, अपनी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, धंधा ऐसे ही चल रहा है। भाई जियो तो ऊर्जावान बनकर जियो, मरणासन्न वाली जिंदगी मत जियो, बंद घड़ी की तरह अपनी जिंदगी मत जियो। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि पानी में और पसीने में फ़र्क होता है। क्या कहा है मैंने? पानी में और पसीने में फर्क होता है, कांच में और नगीने में फर्क होता है। बंद घड़ी की तरह जिंदगी जीकर क्या करोगे, सांस लेने में और जिंदा दिली के साथ जीने में बड़ा फर्क होता है। हम अपने शरीर को, अपनी काया को, अपने माइंड को कितना स्फूर्तिवान रखते हैं ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए सबको प्रेरणा दूंगा, एक्सरसाइज करो 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिटनेस के लिए आदत डाल लो कि मैं जरूर इसका इस्तेमाल करूंगा। नंबर दो, लक्ष्य जरूर निर्धारित करो। हर आदमी इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि आदमी अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करा है। मुझे करना क्या है, सवाल यह है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। आज अगर हम यहां पर आप लोगों के सामने लगातार 60 दिन तक, आपको नहीं पता कि आपके लिए हम कितनी मेहनत करें, एक विषय पर 1.5 घंटा तक लगातार लेक्चर देने के लिए बड़े बड़ों के पसीने निकल जाते हैं, पर 60 दिन तक हम बोलेंगे, हम किसी न किसी एम को लेकर, उद्देश्य को लेकर, महान ऊंचे लक्ष्य को लेकर के आपके सामने रोज पेश हो जाते हैं। हर आदमी को अपना लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए, बिना लक्ष्य का जीवन कैसा। लक्ष्य बनाना सीखे हम, बिना लक्ष्य वाली जिंदगी पड़ा हाँ ठीक है, चल रही है, काट रहे हाँ, बैठा हाँ, बोले काई करो, बोले फाका मार रहे हैं, बोले काई करा, बोले ताश खेल रहे हैं, बोले कहीं करो, बोले बातियां कर रहे हैं, मैं ही कर रहे हैं, तू ही आ जा भैया, आप दोनों मिलने बातियां ठोक ले वहाँ। और ये बातें नहीं करें, अपन सब क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आजकल इंसान को भटकाने के लिए एक नई चीज़ पैदा हो गई है जिसका नाम है मोबाइल।
मोबाइल और मदिरा दोनों एक जैसा परिणाम देते हैं, जैसे मदिरा पीने के बाद, शराब पीने के बाद आदमी का अपनी बॉडी और माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता। कितने लोगों को यह एक्सपीरियंस हो चुका है कि मोबाइल की लत लगने के बाद भी हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है, हाथ खड़ा करके बताइए तो, कि हमारा माइंड अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। लत ऐसी लग गई कि 10 मिनट बीता, थोड़े से खा लिया, फिर मोबाइल उठाया है, व्हाट्सएप देखूँ, थोड़ा वो देखूँ है, तो थोड़ा ये करूँ, थोड़ा वो करूँ। आदमी दिन भर व्हाट्सएप चेक करता रहता है। जैसे माँ होती है ना, माँ छोटे बच्चे को हमेशा चेक करती रहती है, थोड़ा सा ऊंचा उठाती है, देखती है नहीं पीछे पोतड़ियों साफ है कि नहीं है। तो जैसे जैसे माँ पोतड़ियों को चेक करती रहती है, अपने बच्चे के पिछवाड़े को चेक करती रहती है, वैसे ही मोबाइल में लोग चेक करते रहते हैं, किसका आया, हे कौन भेजियो, हे काई हुई हो। आदमी दिन भर तो अब देख लो, हमने अपनी अप्रोच कहाँ तक बनाई, ऊपर तक या पोतड़ियों जितने तक। ओ मेरे भाई सावधान, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, किसी कौटिल्य पंडित की तरह लाइब्रेरी के रूप में गूगल का उपयोग कीजिए। लाइब्रेरी के रूप में हम मोबाइल का उपयोग करेंगे तो ज्ञान और बढ़ता चला जाएगा, वरना केवल टाइम पास नहीं हो रहा है, ये जिंदगी पास हो रही है। जिंदगी तो लिमिटेड अपना समय लेकर आती है। आदतें शराब की है तो भी हमें ही छोड़नी पड़ेगी, और मोबाइल की है तब भी हमें ही छोड़नी पड़ेगी, कोई और तो छुड़ाने के लिए आने वाला नहीं है। टाबर माइतों का तो कहना मानने से रहे, माइत तो कह कह करके धाप गए, पर आदत नहीं छूटी। कम से कम लगातार आदमी को अपने साथ 20 दिन तक संघर्ष करना पड़ेगा, तब ये आदत आदमी के दिमाग से निकल पाएगी। मैं नहीं यूज करूँगा, नहीं यूज करूँगा, अपने मोबाइल में से आज से ही मैं नेट को बंद करता हूँ और 20 दिन तक केवल बात करने के लिए मोबाइल का उपयोग करूँगा। वो मन बड़ा अंदर से तड़फाएगा, मन अंदर से बड़ा यूँ नहीं फिर जाऊँ, नहीं 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 फिर जाऊँ। तो जैसे शराब लोग पीते हैं, जैसे गुटखा खाते हैं ना, कितना ही मना कर दो फिर वापस ये गया। जो लोग खैनी खाते हैं तंबाकू, ये देखे अंदर बने, और लोग मंच पर बैठा होते हैं और देखते हैं कि हाँ इधर उधर लोग वो अपना भाषण दे रहे हैं, लोगों का इधर उधर ध्यान है, वो झट से जिसकी खैनी खाने की आदत होती है वो झट से यूँ यूँ करते हैं और अब लेकाई और मुँह में चेप लेते हैं। अब जिसकी जो आदतें पड़ी है वो ना मंच की मर्यादा रखते हैं, ना जनता की मर्यादा रखते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी एक उल्टी पुल्टी आदतें हैं। कल अपन समझेंगे इन आदतों को कैसे ठीक करें, पर आज तो हम केवल इतना ही समझ रहे हैं, हमें अपनी आदतों को ठीक करने के लिए खुद को ही माइंड अपना सेट करना पड़ेगा। लक्ष्य बनाओ, निर्धारित करो। मैं ये नहीं कहता पूरी जिंदगी का लक्ष्य बनाओ, साल भर का लक्ष्य बनाओ, साल भर बड़ा लगता है, महीने का लक्ष्य बनाओ कि इस महीने में मैं ये काम करूंगा। महीना भी शायद अपन भूल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ रोज सुबह का लक्ष्य बनाओ कि आज मैं ये काम करूंगा, और जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो उसके तरफ रोजाना एक कदम हमारा जरूर बढ़ जाना चाहिए। सब लोग दिमाग में लोग क्या कहा मैंने, लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना भाई, एक साथ इतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता, आलसी है हम लोग, तो फिर क्या करो, एक कदम, कितना, ओनली वन स्टेप, एक कदम अगर हम रोजाना बढ़ाते हैं तो भाई साहब रसरी आवत जात तें सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अपने आप वो अपने आप हमारा करते करते, हाथ में पत्थर उठाओ और देखो क्या होगा, पत्थर को घिसते घिसते, आगे शब्द बोलो क्या होगा, घिसते घिसते क्या होगा, अरे वो तो टेढ़ा बांका पत्थर है, हमारे हाथ में ना छेनी है ना थोड़ी है, मगर फिर भी रोज घिसते घिसते, अब बोलो तो रोज घिसते घिसते क्या होगा, हाथ में उठाओ, वो लड्डू गोपाल जी बन जाएगा। अरे रोज घिसते घिसते वो पत्थर भी लड्डू गोपाल जी बन जाएगा। कोई लड़की अगर कहती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, रे नहीं आता, पर रोज अगर बनाना शुरू करोगे सप्ताह भर तक, रोज एक पाव आटा भिगो, सातवां दिन जब आएगा तब तक तो हमारी रोटी गोल मिलनी शुरू हो ही जाएगी। पांच दिन तो सब्जी जलेगी पर सातवें दिन तक तो हम सब्जी बनाने में एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। अभी गुलाब जामुन बनाने नहीं आते पर सात दिन तक अगर बनाएंगे तो बनाते बनाते
गुलाब जामुन भी बनाने आ जाएंगे भाई साहब। कितने पुरुषों को खाना बनाना आता है, हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने पुरुषों को? अच्छा मतलब बहुत सारे पुरुषों को खाना बनाना आता है, हैं? खाना बनाना आता है यानी इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, आप लोगों ने शादी के बाद खाना बनाना सीखा है कि पहले सीख लिया था? पहले से नहीं, मुझे एक अंदेशा है कहीं पत्नी ने आपको खाना बनाना सिखाया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, माँ भी सिखा सकती है और पत्नी भी सिखा सकती है, कहीं से भी सीख लो ना, पर सीख लो, काम आएगा। तो खाना बनाना बोले नहीं आता, सीखो, सब चीज़ सीखी जा सकती है। तो हर चीज को सीखा जा सकता है, लक्ष्य बनाओ, एक कदम उसके लिए आगे बढ़ाओ। अगली बात इतनी सी निवेदन कर रहा हूँ, कभी भी किसी काम को बोझ मत मानो। क्या कहा मैंने, रिपीट लो अपने दिमाग में, कभी भी किसी काम को बोझ मत मानो, हर कार्य को अपना कर्म मानो, कर्म मानकर पूजा की तरह अपने कार्य को करो। हमें प्रेरणा दी गई है वर्क इज वर्शिप, कार्य को भी ऐसे करो जैसे कि यह हमारी पूजा हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज किसी भी काम को बोझ मत मानो, आज का काम आज करके सोने की आदत डालो। अगर किसी को प्रेरणा लेनी है तो ले लो, मेरी ये आदत है और मैं सबको भी प्रेरित करता हूं कि अपने काम को कभी भी कल पर मत डालो, जो कल पर टालता उसका कभी भी काम पूरा नहीं होता। मुझे कभी कभी कोई कह देता है कि साहब मैं ये काम आपको सुबह 9 बजे तैयार मिलेगा, तो कभी कभी दिल करता है कह दूं भाई साहब लिख कर मुझे दे दो कि कल सुबह 9 बजे तक तेरा काम हो जाएगा। पर यह समझने की बात यह है कि हर आदमी क्या मैनेजमेंट यही है। मेरे बापू की अगर जो गठड़ी होती थी ना किताबों की, अगर किसी ने खोल ली है तो अगले दिन वो हमें बता देते थे कि मेरी गठड़ी किसी ने खोली है। तो हम कहते हैं आपको कैसे पता चला? बोले मुझे पता चल जाता है किसी ने मेरी गठड़ी खोली है। उनकी गांठ भी अगर लगती थी तो गांठ भी गठड़ी पर जो लगाते थे वो इतनी सिस्टमेटिक ढंग से गांठ लगती थी कि वो गांठ केवल वही लगा सकते थे, दूसरा कोई गांठ वो वैसी नहीं लगा सकता था। ये मैनेजमेंट है भाई, कोई ये ना समझे केवल सामयिक करना ही धर्म आराधना में कहता हूँ, जीवन के हर कार्य को सजगता और सचेतनता से करना ये भी हमारी साधना है। काम को बोझ मत समझो, आज के काम को आज करो, अपने पुरुषार्थ को हमेशा मानो, पुरुषार्थ से ही मेरी तकदीर बन सकती है, कर्म से ही मेरी तकदीर बन सकती है, कर्म ही कल्प वृक्ष है और कर्म ही मेरा काम धेनु है। कर्म करने से जी मत चुराओ, जो चंदन घिसता है वो मंदिर में पूजा में काम आता है, और जो घिसने से चूक जाता है वो चंदन केवल किसी मुर्दे को जलाने और फूंकने के लिए ही काम आ पाता है। खुद को चंदन बनाओ, कमजोर मत बनाओ, आलस्य छोड़ो, जागो, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक हम लोग हमारे लक्ष्य को हासिल न कर लें। हर दिन हमारे लिए एक अवसर है और अवसर का उपयोग करना ये मेरे और आपके हाथ में है। जीवन में किसको क्या बनना है ये तय किसी विधाता को मत करने दो, ये तय हम खुद करें कि हम अपने जीवन में क्या बनकर दिखा सकते हैं। ओके, तो क्या छोड़ो, क्या छोड़ो, क्या छोड़ो, वापस बोलो क्या छोड़ो। देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आलस्य छोड़ो। जितना बोल करके आपने ऊर्जा के साथ दिखाया है उतना ही इसको अपनी जिंदगी के साथ जोड़ो।